दोस्तों बहुत-बहुत स्वागत है आपका टेक्निकल में। दोस्तों अभी तक तो आपने केवल यूएवीज के बारे में सुना होगा, जी हाँ, यानी कि ऐसे ड्रोन जो हवा में चलते हैं। लेकिन इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं पनडुब्बीनुमा ड्रोन के बारे में, जी हाँ, जो कि ध्वनि तरंगों से कार्य करती हैं। यूरोपियन रिसर्चर्स एक ऐसे प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं जो कि ड्रोन पनडुब्बियों से संबंधित है। ये पनडुब्बियां साउंड सिग्नल के जरिए एक दूसरे से बात करती हैं। ये एक तरह का अंडरवाटर रोबोट है जो पानी के नीचे तरह तरह के नेटवर्क तैयार करता है, और ये उपकरण काफी कमाल का उपकरण है। इसमें सेंसर्स रोबोट को आसपास की जानकारी साझा करने में सक्षम बनाते हैं। इसमें सागरों, झीलों और नदियों की निगरानी करने के लिए नए रास्ते खोले हैं। इस रोबोट में खास बात ये है कि इसमें इस तरीके के सेंसर लगे हुए हैं जो पानी में जाकर गुम हुई चीजें, रासायनिक रिसाव का पता लगाने में सक्षम है। ये रोबोट थोड़े समय में ही बहुत सारी जानकारियों को जुटा लेते हैं। पानी के अंदर ये रोबोट्स अलग अलग फ्रीक्वेंसी से बात करते हैं। इनमें इंसान के बोलने की फ्रीक्वेंसी से लेकर पानी में ना सुनाई देने वाली फ्रीक्वेंसी भी शामिल है। ये पनडुब्बियां जमीन पर बने कंट्रोल सेंटर को अपना डेटा भेजती हैं। इससे उनकी सटीक जगह और पानी के भीतर तापमान और रासायनिक संरचना जैसी जानकारियां पता चल पाती हैं। एक ही क्षेत्र में कई पनडुब्बीनुमा रोबोट्स या ड्रोन काम कर रहे होते हैं। उन्हें कंट्रोल रूम से कंट्रोल किया जाता है। लगभग रियल टाइम में उनकी निगरानी की जाती है। जब ये पनडुब्बियां पानी के अंदर होती हैं, तो एकॉस्टिक चैनल का इस्तेमाल किया जाता है, सतह पर रेडियो चैनल का। अपनी वाटरप्रूफ केसिंग के जरिए ये पनडुब्बियां 100 मीटर से भी गहरे पानी में गोता लगा सकती हैं। और मिशन के अनुसार ये ड्रोन पनडुब्बियां विभिन्न तरह के डेटा रिकॉर्ड करने में, ट्रांसमिट करने के लिए भी प्रोग्राम की जा सकती हैं। एकॉस्टिक मॉडम के जरिए ये पनडुब्बियां पानी के अंदर बात कर सकती हैं। इनमें इन्वायरमेंटल सेंसर भी लगा हुआ है जो पानी के भीतर नेविगेशन में मदद करता है। इसमें 8 घंटे तक चलने वाली बैटरी लगी हुई है। रेडियो और सैटेलाइट कम्युनिकेशन के लिए इसमें मॉड्यूल्स भी हैं। ये पनडुब्बियां खोज एवं बचाव कार्य के लिए बहुत काम आ सकती हैं। इसमें लगा सोनार डिवाइस चीजों को ढूंढता है, वो कुछ ध्वनि तरंगों को छोड़ता है, फिर उनकी गूंज को सुनता है। खास करके 3 मिशनों में ये पनडुब्बियां काम आ सकती हैं, बंदरगाह की सुरक्षा के लिए, दूसरा पर्यावरण की निगरानी के लिए, और पोर्ट पर आने वाले जहाजों की जांच के लिए। महासागरों से लेकर नदियों तक ये मिनी पनडुब्बियां उस जगह पर काम करती हैं जहां इंसान को भेजना या तो जोखिम भरा है या फिर महंगा। इसके अंदर हम पानी के अंदर की दुनिया को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। पानी के नीचे ज्वालामुखी, तात्विक स्थलों की खोज करने को लेकर ये हमारी जानकारी को बढ़ाएगा। ये एक तरीके की ऐसी तकनीक है जो भविष्य में काफी काम आने वाली है। दोस्तों DRDO को भी इसी तरीके की पनडुब्बियों पर काम करना चाहिए। ये पनडुब्बीनुमा रोबोट्स या ड्रोन काफी कार्य के हैं। दोस्तों आपको क्या लगता है और आप क्या सोचते हैं, जरूर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स पर लिख के बताएं। साथ ही इस वीडियो को लाइक डिसलाइक करना ना भूलें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत। टेक्निकलिस्ट को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं और हमारे वीडियोस की लेटेस्ट जानकारी पाएं।